हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना स्नक्तर एक बार फिर। गाइस अभी जो है मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख रहे हो थोड़ा पसीना भी आ रहा है, तो आपको लग भी रहा होगा कि हाँ वर्कआउट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रेचिंग के ऊपर। अभी जब मेरा वर्कआउट कंप्लीट हुआ तो अब मैं स्ट्रेचिंग करूँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना दी जाए, ताकि आप लोग को भी बहुत सारी कुछ बातें सीखने को मिल जाए। गाइस अच्छा वर्कआउट करने के बाद अच्छी स्ट्रेचिंग करना मस्ट होता है, क्योंकि अगर आप अच्छी स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो गाइस क्या होता है कि जो आपकी मसल्स होती है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, यानी टाइट हो जाती है। बट अगर आप उसको अच्छे से रिलैक्स नहीं करेंगे और आप ऐसे ही आराम करने लगेंगे तो वो टाइट होने के बाद डैमेज होने के चांसेस रहते हैं जब आप सेकंड टाइम वर्कआउट करने आते हैं या अच्छा मैच खेलने जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आज फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको स्ट्रेचिंग के ऊपर। सबसे लास्ट वाली स्ट्रेचिंग जो है गाइस बहुत टफ होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, तो लास्ट तक के जरूर देखना, तभी कुछ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और गाइस जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक के पहुँचती रहे। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं स्ट्रेचिंग, लास्ट तक के देखना गाइस। गाइस अभी जो मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ इसमें आपको अच्छा वक्त देना है, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट आप अगर स्ट्रेचिंग अच्छी करेंगे तो ही जाके इम्प्रूव होगा। गाइस आप लास्ट तक के देखना, अभी बहुत सारी स्ट्रेचिंग ऐसी है जो आपको लाइफ में फ्यूचर में काम आने वाली है। गाइज अभी आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैं अपने हेड को नीचे तक लेके जा पा रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ही ये सब चीज़ें पॉसिबल होती है। बट अगर आप वर्कआउट के बाद या मैच के बाद इसको नहीं करेंगे तो बहुत सारी मुश्किल आएगी, और आपके जो पैर है या लेग्स है जितने भी स्ट्रेचिंग आप अगर नहीं करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो गाइस अभी आपने देखा, मैंने आपको फुल स्ट्रेचिंग के बारे में बताया कि आप लोअर बॉडी कैसे अच्छे से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग भी उतनी मस्ट होती है। बहुत सारे गाइस यंगस्टर के साथ में प्रॉब्लम होती है, अगर उनको पता नहीं होता है कैसे स्ट्रेचिंग करनी है, तो स्ट्रेचिंग गाइस मस्ट होती है। अगर आप अच्छे वर्कआउट के बाद अच्छी स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा अच्छी रहेगी। गाइस होता है क्या, वर्कआउट करने के वक्त हमारी बॉडी गाइस स्टिफ हो जाती है, अगर हम उसको अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं करते तो स्टिफ रह जाती है, और बाद में जब आप अच्छा मैच खेलते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं और वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए गाइस आप कभी भी कहीं पे भी जिम वर्कआउट करें या ग्राउंड वर्कआउट करें तो आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूर अच्छे से आना चाहिए। और गाइस इस वीडियो में आज मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है लोअर बॉडी के बारे में, कि आप लोअर बॉडी को कैसे अच्छे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। चलिए गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।